हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं इवनिंग में किस तरीके से मेरी इवनिंग रहती है, मैं क्या क्या करती हूँ। इवनिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी जगने के साथ। मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं ना इवनिंग में सो जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए सोती भी नहीं हूँ ना, तो एटलीस्ट 10 मिनट का रेस्ट जरूर करती हूँ। तो बेड पे ही रहते तो थोड़ा सा बेड बिगड़ जाता है, तो मैं बेड शीट वगैरह ठीक करती हूँ जगने के बाद में, और पिलो कवर वगैरह जगह पर रख के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पास में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। कोई और मेरी जगह हो तो पता नहीं 3-4 बार झाड़ू लगाए, पर मैं तो 2 टाइम्स ही लगाती हूँ झाड़ू पोछे। पोछा तो ओनली 1 टाइम ही करती हूँ। उसके बाद में मैंने होने से पहले सारे कपड़े है ना वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे तो सब धुल गए, तो अभी मैं यहाँ पे इसे ही सुखा रही हूँ। और कृष्ण सोच रहा था मैं छत पे लेके जाऊंगी, तो छत पे जाने का वेट कर रहा था, पर मैं छत पे नहीं गई। ये गैस को ऑन नहीं करते कृष्णा। और इधर बताओ, आप आज क्या बनाने आए हो किचन में? मैंगो शेक। आपका नेम बताओ। शेप शर्मा। क्या बनाएगा आज? मैंगो। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या लिया है बताओ? 1 मैंगो। फिर दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे, किशमिश डालेंगे और आलमंड्स डालेंगे। एंड यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ कृष्णा को साथ में लेके ही। और आप लोगों को भी एक एडवाइस देना चाहूँगी, जिन बच्चों को जो भी चीज़ खाने की पसंद नहीं होती तो आप उनके साथ बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हो। कोई इजी चीज़ हो, ऐसे बनाने की चीज़ हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। डो बनाना हो किसी चीज़ का तो डो उनसे बनवा सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चों को जो चीज़ इंटरेस्टेड भी नहीं होती ना वो भी वो खा लेते हैं। ट्राई करना ये ट्रिक है ना, और आप उनको बोलना कि आपने बनाया तो यम्मी यम्मी बनाओगे। यहाँ पे अभी मैंगो शेक बनाया था, एक ग्लास मैं पीऊंगी, एक ग्लास इसे दिया, एक ग्लास इनको दिया है, 3 ग्लास बनाए। और कृष्णा ना फोन मांग रहा है तो नाराज होके बैठ गया कि मैं फोन चलाऊंगा थोड़ी देर, मैंने फोन नहीं चलाया सुबह से, तो साइड में बैठा हुआ है। आपको दिखाती हूँ। किशो क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए बाबू? क्या करना है आपको? आप थक गए? देखो पढ़ाई के नाम से बच्चे थक जाते हैं, आप देख सकते हो। पोटी भी आ गई। हाँ। चलो पहले पोटी करके आते हैं, फिर होमवर्क करना। चलो यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। ये मेडिसिन वैसे तो मैं खाना खाने के बाद में ले लेती हूँ, भूल गई थी, सो गई थी, तो फिर रह गई मेरी। होमवर्क निकालो आप, आपका बेटा ठीक है, मिला हुआ है। यहाँ पे अभी इसको होमवर्क करवाऊंगी, बनाओ जल्दी जल्दी। ये भी आपको बनाना आता है? हाँ। फिर से सेम होमवर्क दे दिया टीचर ने आपको? कल तो आपने वही होमवर्क किया था। कौन सा? वो बनाया था ना छोटा, उसे उन बड़े छोटा उसे हल्लू बड़े उसे उन। ये रही पेंसिल आपकी, पहले कौन सा बनाओगे, वो करोगे ये करोगे? सी बनाओगे या उसे ऊन बनाओगे? ठीक है, बनाओ जल्दी से। ठीक है, एक तो बेटा तो एक तो आता है। हाँ मम्मा क्लीन कर देगी, पहले वो करो होमवर्क। नहीं करो। अब करो। एंड कृष्णा को होमवर्क कराना कभी कभी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सीधी सी इजी चीज़ होती है, तब भी उसे बनाने में बहुत जोर आ रहा होता है। बोलता है मम्मा मैं थक गया, मेरे से नहीं होगा, मेरे हाथ थक गए, ये वो, इतने सारे एक्सक्यूज होते हैं। कभी बैठ जाएगा, कभी ये गलत हो गया, इसे क्लीन करो, बहुत सारे। और यहाँ पे मैं ना थोड़ी देर के लिए वॉक कर रही थी, अभी मैंने सोचा अभी टाइम है तो इवनिंग में मैं ना टाइम निकाल के एटलीस्ट जो मैंने अपने स्टेप्स है ना लगा रखी कि मुझे इतने स्टेप्स डे के कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं कैसे भी करूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, तो मैं वॉक जरूर ऐड करती हूँ अपने रूटीन में। मैंने ऐड कर रखा है तो वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे ना इवनिंग में आज मैं ना कटहल की सब्जी बना रही हूँ, तो अच्छे से हाथों पे ऑयल लगा लेना है पहले कटहल कट करते टाइम, और नाइफ पे भी लगा लो, इससे ना कटहल है ना हाथों पे नहीं चिपकती और इजीली कट जाती है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ जिससे कि कटहल में कलर आ जाता है। और इसको है ना तेल में भुनने ही दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाएगी ना तब तक मैं इसे तेल में भुनूंगी, उसके बाद में मैं कटहल को निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मेरी कटहल मतलब भुन रही है तेल के अंदर, जब तक मैं ना बेसिक सामान यानी कि जो ग्रेवी के लिए सामान चाहिए होता है टमाटर अनियन वगैरह वो भी साथ के साथ मैं चॉप कर लेती हूँ। लहसुन मैंने छिलके रख लिया, और लहसुन तो वैसे ना आपको एक साथ छिलके रख लेना चाहिए, मैं हमेशा सोचती हूँ पर खत्म हो जाए
जाते ना, फिर लास्ट में तो वापस छिलना ही पड़ता है, तो जब भी टाइम मिले कर लो। कट करना तो ऐसा लगता है जैसे कि आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। बस हाफ कट किया है, मैं रुक गई, अभी मैं सोच रही घर पे बात करते करते फिर कट करती हूँ। तो बस ईयरबड्स लगा रही हूँ और खाना मेरा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही बनता है कि मैं घर पे भी बात करती जाती और मेरा खाना बनता जाता है। एंड मैंने यहाँ पे ना कटहल को गोल्डन ब्राउन होने तक भूना था, उसके बाद में कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया, जीरा ऐड कर रही हूँ, प्याज यहाँ पे ऐड किया और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पक्का आना है। इससे ना भूनोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और लहसुन की जो प्योरी बनाई थी ना वो ऐड कर दी। आप इसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद बेसिक मसाले जैसे बहुत थोड़ी सी मैं मिर्ची ऐड करती हूँ, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर ये ऐड करती हूँ। आप ना थोड़ा सा मिर्ची अच्छे से डालोगे, अगर आपका बेबी मिर्ची खाता है तो मिर्ची अच्छे से ऐड कीजिए, मिर्ची से भी टेस्ट आ जाता है। मेरी सब्जी में थोड़ी मिर्ची कम होती है। जब मसाला पक गया ना उसके बाद में मैंने यहाँ पे कटहल ऐड किए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी भी ऐड करूँगी कटहल को पकने के लिए और उसके बाद में इसको ढक के रख दूँगी और हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी टेस्टी टेस्टी। एंड जब तक सब्जी बनेगी पहले मैं सैलेड कट कर लेती हूँ क्योंकि मैं साथ में ही खाना भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज कृष्णा है ना वो जल्दी सोएगा तो फिर मुझे खाना भी बनाना है। और यहाँ पे मैं खीरा खा रही थी, काटते काटते कौन कौन ऐसा है जो खुद भी खा लेता है, और मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही थी तो मैंने खा लिया और सब्जी मेरी यहाँ पे बनके तैयार है। बस रोटी बनानी है, फिर उसके बाद मैं कृष्णा को खाना खिला के किचन साफ करूँगी। खाना हम लोगों का बन गया, उसके बाद मैं किचन में आई थी, किचन को आज अच्छे से क्लीन करना था क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी, ऐसा लग रहा था मुझे गंदी हो रही, तो मैंने यहाँ पे ना साबुन लगा के अच्छे से क्लीन किया। डिनर हम लोगों का हो चुका है, अभी मैं 10 मिनट के लिए वॉक करूँगी, ज़्यादा तो नहीं करूँ, मैं बहुत थक गई यार, थकान होने लग जाती इन दिनों में, बस काम वगैरह किया ना तो थक गई। तो यहाँ ओनली 10 मिनट्स की वॉक करूँगी और वेदर बहुत अच्छा हो रखा है आज देखो। हवा चल रही है तो मैंने सोचा इस मौसम का आनंद लिया जाए और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर दी, तो बस वॉक कर रही हूँ। तो यहाँ मैं वॉक कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम बाद में कृष्णा मेरे साथ इस तरीके से सोया ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसे नहीं सोता, आज मेरी गोदी में सो गया तो मेरा दिल खुश हो गया था ऐसे देख के। और रात में सोने से पहले मैं अपना मिल्क जरूर लेती हूँ और अभी अभी स्टार्ट किया है, मुझे 2-3 टीज हो गए तो जो लोग नहीं पीते ना वो इस तरीके से पी रहे होंगे मेरी तरह मुँह बिगाड़ बिगाड़। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ने मुझे स्पेशली कैल्शियम और विटामिन डी सजेस्ट किया है, तो मैं ऐसे मुँह बिगाड़ बिगाड़ के भी पी रही हूँ, अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा।